यम नहीं आवे जो तेरा रंग राते स्वामी इनका जन्म मरण दुख माता तेरी भक्त न मिटे कोई सतगुर का दिलाता नाम त्यान सुख पल पायन आठ पैर आलाते तेरी करण तेरे परवाते पंच दुष्ट लगाते क्योंकि हम कर्म न जाना तार न जाना तेरी सब ते बड़ा सतगुरु नानक सब ते बड़ा सतगुरु नानक सब ते बड़ा सतगुरु नानक अत ऊंचा ताका दरबारा अंत नहीं किश पारा वारा सब ते बड़ा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी उज अपार भी अंत तुवामी कौन जाने गुण तेरे भगत उधर तुरत उधर बिन से पाप कनेरे पचुरे तुम भगत को तारे पाहन पार उतारे नानक दात की तरणाई सदा तदा बलहारे सब ते बड़ा सतगुरु नानक मूर्ख की केतक बात है कोट राती तरियारे गुरु नानक जिन सुनिया पेकिया ते पर गर्भात न परियारे सब ते बड़ा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी करके पंपे लो जी जी दी पावन पवित्र हजूरी च बैठी गुरु रूप गुरुसवारी साध संग जीओ अपने समय ते सानू सफलियां करन वास्ते माई और भाई सारे ही प्रेमी जन दूरों नेड़े आपो आप दुनियावी तंदे तंदारां तो छुटकारा पा करके जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र यूरी विच पुज के अपनी जिंदगी दियां अपने जीवन दियां अमोलक कलियां नूं सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे
पावन पवित्र चरणा कमला में लगा के सफलियां करन दी खेचला जानी कृपालता कर। तन ते आओ थोड़ा जा समा सतगुरु गुरु ग्रंथ समर दे चरणा में लाइए, विचार करिए असी तुसी दुनिया ते संसार ते की करन वास्ते आए हां, ए जन्म सानू कादे वास्ते मिले, असी कर की रहे हां, सानू करना की चाहिदा है। सत्संग इक घड़ 84 लख जूनियां दा बादशाह, इक घड़ 84 लख जूनियां दी सरदार, योनी मनुखा जन्म इस जीव नूं इस बंदे नूं बहुत लंबे हरसे तों बाद प्राप्त होया। इस मानुकतन दा प्रयोजन, इस मानुकतन दा उद्देश, मानुकतन धारण करके मनुखा दे विच आ करके वैरू परमेश्वर दी भक्ति है, प्रभु सिमरन है, प्रभु प्राप्ति है। बंदा दुनिया ते आया ही परमेश्वर दा नाम जपन वास्ते है। जूनियां भावे इक घर 84 लख होर भी हन, ओना जूनी दे विच वैरू दा नाम नहीं जपिया जाना। सत्संग जी कुत्ता की दिन कर लेगा, गधा की माला फेर लेगा, घोड़ा की सेवा कर लेगा, हाथी की जप तप कर लेगा। इक घर 84 लख जूनियां भावे होर भी ने, जे गुरबाणी पढ़ के वेखिये बाणी दे विच ना सिर्फ ते सिर्फ जड़ियाई कीती ना इक मनुखा जन्म दी कीती है। किते नहीं क्या कुत्ते दा जन्म बड़े चंगे कर्मा करके मिलदा, गधे दी जूनी शुभ कर्मा करके मिलदी है, किते नहीं क्या सप दी जूनी बड़े चंगे शुभ कर्म करके मिलदी है, किते नहीं क्या उल्लू दा जन्म बड़े जप तप करके मिलदा। इक ते इक सिर्फ ते सिर्फ इस मनुख जन्म दी वडियाई कीती जिहदी असी तुसी कदर नहीं कर रहे। थान थान ते दसना की प्राणी तू आयो लाह लैण, लगा कित को फकड़े सम्मुख दी चली रहण, गुरु की संगत किते ऐसा भी दसिया रात गुवाई सोए कै दिवस गुवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौडी बले जाए। किते एदी हीरे नाल तुलना कीती पर विचारन जो गल है, इक तुलना कीती इक एदी जिंदगी नूं कंपेयर कीता है, माफ करना पर जे विचार के वेखिए हीरे भी खरीदे जा सकदे ने, हीरियां दे बड़े व्यापारी ने, बड़े बिजनेसमैन ने, माफ करना सास हीरे भी खरीदे जा सकदे ने, पर जदों जिंदगी दा अंतम समा आ गया कि सवास भी खरीदे जा सकदे ने। सास संगी दुनिया भर दे हीरे तकड़ी दे इक शाबे दे विच रख दियो, इक सा नहीं खरीदया जाना। जिस जन्म दी असी कदर नहीं करदे, जन्म दी ते पता नहीं किन्नी क कीमत है, नो वैल्यूएबल, एदी कोई कीमत नहीं करना, ए बड़ा बहुमुल्ला है। साध संग जी एदी ते वैल्यू है नहीं, इक साह दी कीमत नहीं। असी जिन्ने भी बैठे हां कहने हां कि जिंदगी च बड़ी मेहनत कीती है, कोई कहंदा मैं बड़ी लेबर कीती, कोई ऐसा बंदा नहीं जेड़ा ए गल नहीं कहंदा कि मैं अपनी जिंदगी च कोई मेहनत नहीं कीती, कोई लेबर नहीं कीती। गरीब तू लेके अमीर तक हर बंदा यही गल कहंदा, पर माफ करना सत्संग जदों जिंदगी दा अंतम समा आ गया ना, साडे जीवन भर दी कमाई दे नाल इक साह नहीं खरीदया जाना, इक साह। सत्संग जी राजा चक्रवर्ती राजा भावे राज तख्त भी किसे नूं दान वजू दे दे, किसे नूं दान कर देवे कि मैनूं मरन तों बाद इक साह मिल जे, ओनूं इक साह नहीं मिलना। साडे तां जीवन भर दी कमाई दे नाल इक साह नहीं मिलना जदों अंतम समा आ गया। पर गुरु प्यारियो विचार के वेखिए जिस वाहगुरु ने सानू जन्म तों लैके ना मरन समय तक जीवन दे आखरी समय तक आखरी श्वास तक इन्ने साह दिते ने, कदे सोचिया उस वाहगुरु नूं इस शरीर विच इन्ने श्वास पाउण लग्यां किन्नी मेहनत करनी पई होवेगी, कदे सोचिया? माफ करना तदे हजूर फरमाते ने पई प्राप्त मानक दोहरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। एही वेला एही समय जन्म ते सानू मिले कादे वास्ते मिले, जन्म तां इस करके मिले आ जिन्ने भी तुरियां फिरदियां जूनियां आ कुत्ते बिल्ले गधे घोड़े खोते उल्लू पंछी जानवर कां इलां
एक घर 84 लख जूनी जोत नजर आउंदी।